आपको इतनी शर्म नहीं है आपको इतनी हया नहीं।, नहीं है आप कैसे बोल रहे जैसे आपको पकड़ा, जो पकड़ा और पूरी टीम जो थी ना उन सबकी घटिया पान था मैं थोड़ी एथिक्स सीखो शेम, तो शेम, शेम ना हूँ नहीं यार ये गलत चीज़ है किसी का दिल दुख है मैं यहाँ से भी कहता हूँ मुझे माजरत है आपकी दुआ बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का करम अच्छा इधर देखे उधर नहीं देखना अच्छा थीखे? हम कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं कर रहे अच्छा। गपशप ही लगा रहे हैं बंद कर दो ये बंद सर बंद हो गया अच्छा और आप मोबाइल नीचे करो ये बताओ ये अभी मैं साइलेंट कर देता हूं जी हां कर ये किसकी अभी, को? ये यार ये देखें ना कॉल्स बहुत आ रही है ना तो इसलिए मुझे इसको साइलेंट करना पड़ेगा साइलेंट यहां से तो ये बताओ जी आपने जो तहरीके इतने इवेंट्स कवर किए जी कितने पैसे कमाए उससे आपने यूट्यूब से यूट्यूब से कोई हिसाब नहीं किया <laughs> लेकिन आ, आ, इसमें आ, कोई डाउट नहीं है लाल की कमाई है मेहनत करके गया हूँ उसकी कमाएं इसमें कौन सी डाउट ही नहीं है कमाई? है, आपको तहरीक लब्बिक ने कितने पैसे दिए जब आपने इतना उनके इवेंट्स दिखाए इतना जबरदस्त तरीके से दिखाया इतनी आवाम तक उनका पैगाम पहुँचाया देखें जी आ, मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत के लिए गया था और दूसरा टी एल पी से खादम रिजवी साहब से जो कि हमेशा नबी पाक के लिए वो बोलते थे और आके नामो से रसालत पर बोलते थे तो उनकी क, उनका जनाजा था एक बड़ी शख्सियत थी यार उनको कवर करना मेरे एक आप एक जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आप भी जानते हैं है। तो ये मैं भी जानता हूँ और वो क्यों पैसे देंगे अल्लाह माफ़ करे कोई अल्लाह अच्छा इसके अलावा हम ये बात कर लेते हैं पहले बाकी मामला तहसादरवी अभी अमीर बनाया गया उनको या बन गए क्या उनके आने के बाद तहरीक लबैक का कारकुन उनसे मुतमिन है आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा कैसे आप कह सकते मैं मैंने नोट किया है मैंने एक उनसे आपको देखोग गिला किया हाँ। और गिला किया था वो मेरे दिल की एक बात थी वो खत्म हो गई इतनी भी नहीं थी कि मैं उस पर अपने बड़ा व्यूर्स उठाऊं और ये करूं मैंने उसके बाद आपने देखा कोई ना बयान दिया ना कुछ किया क्यों नहीं, नहीं किया कि यार उस पे क्या बयान देने आप ठीक है तो कारकुन जो है वो बड़े मतलब अपने लीडर बड़ी अच्छी बात है कि आप एक लीडर है चाहे लीडर जो भी करे जो भी करे उसके साथ देना बड़ी बात है

मजलबी तौर पर उनका इन्फ्लुएंस बना हुआ है, हुआ है। लेकिन सियासी तौर पर भी वो एक जबरदस्त जमात के तौर पर सामने आए। आएगी और बड़ी बड़ी जमातों को पंजाब में शिकस्त देगी मुझे लग रहा है मुझे भी लग रहा है क्योंकि मैंने भि... इनके कारकुन लीडर्स तो अल्लाह चुनता है लीडर तो मतलब जो भी है कि एक होता है। उसकी औलाद भी अगर अच्छा काम करे उसको अच्छा कहो क्योंकि मैंने देखा है वो अभी पुरजोश तरीके से अभी जो मैंने उनकी वीडियोस देख रहा हूँ बड़े तरीके से आ रहे हैं तो और मुझे लग रहा हर जगह वेलकम हो रहा है और उनको मुझे लगता है कि सब पार्टियों को कहीं ये फेंटा ना फेर जाए फेरेगा फेंटा मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी हर जगह जा रहे हैं ये हाँ। सब हैं ये सबसे एक्टिव एक्टिव लोग है और दूसरी एक बात मैं आपको बता दू लब्बैक पहले ट्विटर पर इतनी नहीं थी हाँ। और ट्विटर जो है ना आपका सियासी तौर पर आपका माहौल बनाता है माहौल बनाता है अब इन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड शुरू कर दिए और मैंने कल रात को देखा इनका एक ट्रेंड था कि सफीर को बाहर निकालो हैश वो इनका टॉप पे चल रहा था तीन दिन पहले अहले शाम सात के संग वो वाला ट्रेंड इनका टॉप पे चल रहा तो भाई अब नहीं, तो नहीं, नहीं मुझे आपको ये पता आप आप में स्पेशली। और दूसरी मैं बता दूं आपको कि बुटो ने भी इतने वोट नहीं लिए थे पहले इलेक्शन नहीं लिए इलेक्शन में आदम रिजी साहब की क्या बात है यार उन्होंने बिल्कुल यार क्या आप पता आगे भी ये जो है ना कोई फेंटा फेर जाए मुझे लग रहा है फेरेंगे फेरेंगे इसमें कोई शक नहीं अब हम आते हैं इस पर पाकिस्तान नेशनल टीवी कैसे इंटरव्यू हुआ कब हुआ कब आपको फोन किया या आपकी दोस्ती वगैरह है क्या तो यार देखें है? आप पहले सबसे बड़ी बात के दोस्ती होती है जब ना उसका मान बड़ा रखा जाता है बिल्कुल मैं जब दोस्ती करता हूं तो मेरा बड़ा मान होता है कि यार दोस्ती होनी चाहिए आप देखें मैंने हालांकि एक जगह कम्बल बांटे मैंने उनको साथ रखा हाँ, बिल्कुल मैंने कहा आप आए इकट्ठे जाते हैं यार बड़ी अच्छी दोस्ती थी वो कम्बल आपको मिले थे या उनको नहीं वो मुझे मिले थे आपको डोनेशन मिली थी और मैंने ट्रांसफर किए थे मजदूरों को तो उन्होंने तो अपनी वीडियो में ये कहा था हमें मिले थे नहीं बस हमें मिले थे जो जो भी आएगा अच्छा, आप सबको पता है दुनिया को मैंने चैनल पे भी पोस्ट किया था ठीक ठीक उसके बाद ये है कि मैं एक कॉमेडियन का इंटरव्यू करने गया था आ, कब गए थे ये, ये जो इंटरव्यू लगा ना इससे पहले तीन चार घंटे पहले की बात है उस यानी कल रात से पाँच जब वीडियो आ, लगी उससे पाँच छह घंटे पहले की बात है शायद उससे पाँच छे घंटे पहले मैं इनको साथ लेके गया चलो चलते हैं यार आप साथ लेके नहीं गया मैं वहां पहुंचा मैंने इनको इनवाइट किया मैंने कहा जाए अगर करना है तो आप भी कर लो हाँ कर लो क्योंकि आप भी बांटो चीजें कोई बांटना में स्वाब भी है बिल्कुल तो अब वहां ही ना मुझे नहीं पता था इनका कोई प्लान है अच्छा ये प्रॉपर प्लान से शायद महीना पहले चल रहे हो कि यार ये हम खादम रिजवी साहब का जो है कवरेज कर रहे हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं एंडिंग या इस तरह का कोई सीन हम ऐसा डालते हैं या फिर कोई ऐसे व्यूअरशिप उठाते हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी के लिए कुछ ऐसा को जो भी इनके अभी मुझे नहीं पता क्या प्लान था तो इन्होंने ये किया कि इंटरव्यू में ही एक ही क्वेश्चन जी शुरू में किसी और बात पे इंटरव्यू हो रहा था स्टार्ट आप देखें किसी और चीज पे हो रहा, है। हो रहा है अचानक साध रिजवी साहब साध रिजवी साहब साध रिजवी साहब मैं क्यों उनके खिलाफ बुरा बोलू मुंह आपके निकलवा करेंगे ऐसे के उठ के जाना बनता की नहीं बनता है मैं तो हूँ मेरा यार तनकीद करना जो है ना हमारा काम है अच्छा काम करेगी कोई सियासी जमात हो सियासी लीडर हो मजहबी जमात हो मजहबी लीडर हो अगर हम तनकीद नहीं करेंगे उनके गलत काम पर तो ये मुनाफ्त मुनाफकत है, मनाफ़कत है। और अगर हम उनके अच्छी पॉलिसी पर तारीफ हाँ एक जब वीडियो बनाई रिज्वी साहब के अगेंस्ट नहीं थी मेरा एक मेरा गिला था तो मैं अगर दिल में रख के मुनाफ्त करता था वो ठीक था या जब मैंने वीडियो बनाई वो ठीक था जो चीज सामने आ गई वही पता लग गया बस वही ठीक है वही बात है बाकी अगर आप पीछे बैठ कर और... हो मेहनत करके आगे जाते हैं अच्छा, तो रास्ते में कीड़े आते हैं कीड़ाज अच्छा इन्होंने आपको ये कहा कि हमने आपके आपने इनको बुलाया कि सखावत का इंटरव्यू करना है हाँ, हाँ. उसके बाद इन्होंने आपको कहा कि हमने आपका इंटरव्यू करना है मिमिक्री के हवाले से ये तो काफी दिनों से चल रहा था ना कि इंटरव्यू बनाते हैं मैंने कहा बनाते हैं यार कोई अच्छा सा बनाते बनाता है ना बड़ा अच्छा सा कोई इंटरव्यू करते है आपका मिमिक का कॉमेडी करते हैं चैनल पे चैनल पे व्यूज लाते हैं

कल जब ये हुआ फिर मैंने सोचा यार एक बयान तो देना चाहिए कि मैं कोई टीएलपी का दुश्मन थोड़ी हूँ मैं भी उस पाकिस्तान का ऐसा हूँ वो भी पाकिस्तान के ऐसे आ, मैं भी मुसलमान हूँ वो भी मुसलमान है तो फिर ऐसे थोड़ी होता है ठीक है मैं बल्कि साथ रिजवी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ देखी होगी मल्ले में अच्छा इन्होंने आपसे जब ये कहा कि हम मेमिक्री का इंटरव्यू करना चाहते हैं और एकदम से साथ रिजवी रिजवी पे आ गए आपने इनको मना नहीं किया कि आप टॉपिक इंटरव्यू के दौरान मना करना भी मेरे ख्याल में आपको पता कैसे मना करूंगा यार ये ना करो ये ना करो तो वो काट देते हैं वो काटना चाहिए नहीं मैंने मना नहीं किया इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग के दौरान दो तीन हरकतें ऐसी हो गई होंगी या लाइट बंद हो काटना पड़ता है काटना पड़ता नहीं मैंने नहीं कहा

आप कैसे बोल रहे जैसे आपको पकड़ा हुआ है पकड़ा हुआ और मैं आपको हया होनी चाहिए यार, एक टॉपिक को लेके आप, आप खुद जर्नलिस्ट हो आगे आपने पता नहीं क्या करना है क्या क्या बनना है आप वक्ती चीज पे खेल के आप कल फिर मिलना है कल यही मवाद है ना टोटल तहरीके अलावा मवाद इनको देने वाला कौन है आपको पता है आपने इंट्रोड्यूस करवाया था इनको साध रिजवी जो मतलब मैंने एक ट्रेंड सेट किया था उसी पे अभी तक लग रहे हैं उसी पे उसी हट नहीं रहे ये हमारा तो अल्लाह की तरफ से हम दे रहे हैं लेकिन आप ये देखिए शर्म हया कुछ नहीं है आपको मैं गंदे अल्फाज यूज़ नहीं कर रहा मैं कर भी सकता हूँ कोई मसला नहीं है लेकिन आप ज, कुछ वैल्यूज़ होती हैं तो पूरी टीम जो थी ना उन सब की ये घटिया पान था मैं ये कह दूसरी बात नाजरीन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि सैयद बासित अली जो है ना इनको अगर आप सैयद बासित अली साथ लिख दे सलीम साफ़ी तो आपको पता लग जाएगा कि कितने साल पहले सैयद बासित अली का सलीम साफ़ी जो कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम का प्राइम टाइम का एक बहुत बड़ा नाम है उन्होंने इसको इंटरव्यू किया था ठीक है उसको आज साल 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 हो दो, तीन, चार साल चार हो साल हो गए गए उससे पिछले इनके जो कारनामे हैं जो इमरान खान की ब्रिटिश गॉड टैलेंट में मेरा चार्ली चैपियन सेलेक्ट हुआ था तो इतने बड़े बड़े अवार्ड और रेवॉर्ड इनके नाम पर है अब इनका उनके साथ मुआवजा करना पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मुआवजा करना या उनके जो दो एंकर है बड़े बड़े माइक लेके फिर रहे होते हैं उनके साथ अगर मुआवजा करना तो मेरे ख्याल वैसे से... ये बड़ा माइक वाला सिस्टम भी दिल को उनका माइक बड़ा है हरकतें छोटी माइक बड़ा है बस आप जो भी तो मुआवजा करना ना ये भी ना इंसाफी होगी बाकी अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ मेरे साथ मुआवजा करना तो मेरा भी एक आप मुझे तनकीद कर है। सकते हैं मीडिया के अंदर मेरा भी अलहमदुल्ला एक अच्छा बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छे है। अच्छे चैनल में जॉब किया नौकरी की सीखा काम प्रोडक्शन में न्यूज़ में लिखना जानता हूँ पढ़ना जानता हूँ स्टिल सीख रहे हैं अभी भी अलहद सीख रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान नेशनल टी जो कि यूट्यूब चैनल है या हमारा यूट्यूब चैनल है डेली न्यूज़ टी सैयद बासित अली है जितने भी यूट्यूब चैनल्स है ये सब लोग कमाने के लिए काम करते हैं सब करते हैं सब कमाने के लिए काम करते हैं हमारा हमारा कोई जरिया माश और नहीं होता मेहनत कर हमें करते कई और से पैसे नहीं आते ये वीडियो जितना कुछ इसमें बोला जाता है आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन या इंटरटेनमेंट दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एक तो आपको इंटरटेन करना दूसरा हमने पैसे भी इससे कमाने होते हैं हमने अपना घर चलाना होता है और अगर पाकिस्तान नेशनल टीवी ये आपको इस तरह से पकड़ रहा है मैं गारंटी देता हूँ बासित उनसे कोई और कॉन्टेंट करवा लें और वो चला के दिखा दें मुझे

मतलब एक, आप उस, वो भी एक सेलिब्रिटी है यार, के अंदर, अंदर भी एक ना, ना, नाम है अब उनका बनता ये था कि पहले मैं पोस्ट करूं फिर वो वेट करें फिर उसके बाद लगाएं लेकिन नहीं सबर नहीं हुआ उन लोगों से तो ये इनका साज रिजवी के हवाले से जो बयान था वो भी सामने आ गया मेरा आ गया। अगर मुझे किसी का दिल दुखा है मैं यहाँ से भी कहता हूँ मुझे है मेरी तो इतने इससे बड़ा आपको यार आप। और क्या चाहिए आपको जो बंदा खुद कह रहा है कि मुझे किसी का दिल दुखा हो तो आपसे माजरत करता हूँ माफी करता हूँ तो लेकिन इनको इन ना ऐसे का काम था सिर्फ लड़वाना लड़ा के रेटिंग लेना और थोड़ा सा आप लोगों के ताल्लुक को खराब करना ताकि आप आइंदा तहरीके लबे कवर ना कर सके तो इवेंट हम कवर करते थे करेंगे और दोबारा करेंगे, दुबारा हर, करेंगे जगह हर जगह करेंगे, जगह करेंगे।, करेंगे। और आपसे पहले वहां पर पहुंचेंगे और आपसे बाद में वहां से निकलेंगे इन इनशा और बाकी थोड़े थोड़ी सी मान यू मेरा तो अभी भी कहता हूँ यार ये गलत चीज है ना ऑन यू बस ठीक है आपका गुस्सा है आप अपनी जगह लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जर्नलिज्म को थोड़ा सा सीखे और थोड़ा सा पढ़े साथ में काम जरूर करे और थोड़ा सा अलग कॉन्टेंट भी आवाम को दिखाए आप इस चक्कर में ये देखे मेरा मोबाइल क्या हुआ इसमें ये वाइट उठ गया था उससे में ये क्या तोड़ दिया किस तरह मतलब मैंने बस नीचे गिरा दिया था उससे में आके देखो यार पाकिस्तान नेशनल टीवी वालों आपके <laughs> मेरा मोबाइल वापस दो इतने बड़े बड़े माइक वो तो टूट नहीं सकते इतना छोटा चो, सा मोबाइल भी चारेगा टूट गया क्या करें तो? बड़े माइक से माशाल्लाह यार चले अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिए बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कर दे नहीं किया तो कर दे अगर किया हुआ है तो अल्लाह आपका बहुत बहुत भला करे इनका चैनल नीचे लिंक दे रहा हूँ जरूर जाकर सब्सक्राइब करें अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आते हैं आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको देने वाले हैं आपका चैनल भी इंशाल्लाह आप बहुत एंटरटेनमेंट देने वाले बड़ा अच्छा लगता है आपकी चीजें सुनकर बड़ा पोलाइट तरीके से आप बोलते